एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनियाबास पर 111। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, और मैं भी सही हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट नाइट मैं अपने मामा के घर आ गई। आप लोग सोचते हो कितना जाती है गुवाहाटी अपने मामा के घर, पर किसी न किसी छोटे मोटे काम की वजह से आना हो ही जाता है मेरा। तो मैं भी लास्ट नाइट आई हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई, ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। कल मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। और शूट करूंगी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि शूट करने के बाद ही मैं निकल जाऊंगी अपने घर को। तो सोचा कि कुछ भी करने से पहले आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ, जो दिल में कुछ बातें हैं वो शेयर कर लूँ। और वो ये है कि काफ़ी प्यार, काफ़ी रिस्पेक्ट आप लोगों से मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, और उम्मीद करती हूँ कि यही प्यार, यही आशीर्वाद, यही सपोर्ट आप लोग मुझे आगे भी करेंगे। तो आप लोग में से कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि दीदी, आप बहुत ही अच्छा बोलती हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, और आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए आप हमारे लिए। तो उनको मैं कह दूं कि आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, जो सोच विचार हैं, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है मुझे। और मैं आप लोगों से कह दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैंने झेला है अपनी लाइफ में, जिससे मैंने सीखा है, वही मैं कहती हूँ। बाकी इससे अलग मैं कुछ नहीं कहती, जो मुझे सही लगता है मैं वही कहती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ चाहा, देखा है, सहा है, कि मुझे उन सब चीज़ों से सीख मिली है। तो इनमें से एक किसी ने मुझे कहा था कि आप अपनी लाइफ की कुछ ऐसा किस्सा बताइए लाइफ का, जिससे हमें कुछ सीख मिले। तो चलिए मैं कुछ आप लोग को बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ था, और उससे सीख यही मिलेगी कि आपको कैसे चीजों के साथ डील करना है, वो आपको आएगा। क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डील कैसे करेंगे। हर चीज के, हर बात के दो मतलब होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट, यानी कि हेड एंड टेल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करेंगे, किस चीज को अपने ऊपर हावी करेंगे, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। आपको कौन से, किस चीज को लेके आगे बढ़ना है, कौन सी चीज आपके लिए सही है, ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। और यकीन मानिए, ये आपको जिंदगी जीने का बहुत ही अच्छा सलीका देगा, बहुत अच्छा तरीका। ये अपनी लाइफ को ना बहुत इजी कर देता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज चुटकी में ठीक हो जाती है, हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। तो सो फ्रेंड्स, वो किस्सा ये है, मैंने अपनी लाइफ स्टोरी वाले ब्लॉग पे भी बताया था, और आज एक बार फिर कह रही हूं। वो किस्सा ये है कि अभी जो आप मेरा कंडीशन देख रहे हैं, जो चेहरे की हालत देख रहे हैं, वो तो काफी हद तक सही है, देखने लायक है, और मुझे बताते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, और ना ही कोई तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। मुझे आदत हो गई कि मैं एक बात जानती हूँ, और आप लोग भी जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कि लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के लिए है, क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना मिलता है उससे और ज्यादा पाने की चाह रखता है, और उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते रहते, संघर्ष करते रहते, हर एक चीज के लिए लड़ते रहते हैं। तो किस्सा ये है कि उन दिनों जब मैं छोटी हुआ करती थी, जब मैं स्कूल जाया करती थी, स्कूल से लेके कॉलेज के दिनों तक मैंने ये देखा है, सहा है। और अभी तो अभी बहुत कुछ ठीक है, जब से सोशल मीडिया में आई हूँ तब से तो मेरी लाइफ ही कुछ और है, आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत। होता यूं था कि मेरा घर से निकलना, मतलब मैं तो ढीठ बनकर निकलती थी, क्योंकि ये सुनने की आदत हो गई थी मेरी। लोग मुझ पे हंसते थे, क्योंकि मेरे चेहरे की कंडीशन ही बहुत खराब थी, अभी तो बहुत अच्छी है, उस वक्त इतनी खराब थी कि लोग देखते थे तो हंसते थे, इतना हंसते थे कि पीठ पीछे इतना, मतलब जाते हुए रास्ते से, निकलते हुए, गुजरते हुए सुनती थी, अरे यार ये क्या जा रही है, अरे यार इसको देखो। काफी बच्चे एक साथ मिलके इकट्ठे होके हंसते थे, तो कुछ औरतें हंसती थी, कुछ मेरी, मतलब औरतें देखिए, जो औरत हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो हंसा करती थी। तो एक पल के लिए मुझे बुरा लगता था, फिर मैं सोचती थी यार किसी को हंसाना कितना मुश्किल काम होता है, मुझे ऐसा लगता है, किसी को हंसाना,
मुझे ऐसा लगता है उसे जिंदगी देने के बराबर। आप किसी को रुलाना है तो चुटकी में रुला दीजिए, चुटकी में किसी को अब शब कह दीजिए, वो रो देगा। पर उसी बंदे को हंसाने के लिए ना आपको बहुत तरीके के मतलब मेथड्स अपनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप उसे हंसाओ। अब थक जाएंगे, जैसे जोकर, जोकर हमें हंसाने के लिए कितना कुछ करते हैं, वो खुद तकलीफ में रहते हैं पर हमें हंसाते हैं। तो मैं अपने आप को सोचती थी कि मैं कितनी खुशनसीब हूं कि मैंने किसी को हंसने का बहाना दिया है, मैं किसी के लिए जरिया हूं हंसने का। किसी के ऊपर हंसना और किसी के लिए हंसना, इसमें डिफरेंस है। हंसना है ना, किसी के ऊपर मत हंसिए, किसी के लिए हंसिए। क्योंकि किसी के लिए जब हम हंस रहे हैं ना, तो उसका मतलब यह है कि हम उसे खुशी दे रहे हैं। मैं हंस रही हूं मेरे परिवार के लिए, आप सभी के लिए, और मैं खुद के लिए भी, क्योंकि मैं खुश रहती हूं हमेशा। और किसी के ऊपर हंसना, उसका मजाक उड़ाना, उसका अपहास करना, ये सही नहीं होता है। ये आप अपने बच्चों को भी मत सिखाइए, ये गलत है। चलिए खैर, मुझ पे तो लोग हंसते थे, वो हंसे, कोई बात नहीं है। मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं खुशनसीब हूं कि मैंने उनको जिंदगी दी है, क्योंकि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है। पर जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ हो। अगर कभी आप पे कोई हंसे, आपका कोई अपहास बनाए, मजाक उड़ाए, तो आप भी मुस्कुरा दीजिए और सामने से निकल जाइए। उसे जवाब मत दीजिए, उसे जवाब मत दीजिए, क्योंकि समय उसको जवाब देगा। और ये सोचिए कि आपने कितना महान काम किया है, बिना कुछ किए अगर कोई आपको देख के हंस रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपने उसको जिंदगी दी है, आपने उसकी जिंदगी के कुछ पल हसीन बना दिए। ये सोच के आप खुश हो जाइए। पता है आपको, जो लोग मुझ में हंसा करते थे ना, जो लोग मुझ में हंसा करते थे, जो सोसाइटी के लोग थे या फिर जो कोई भी थे, वो आज ना वो मेरे आगे पीछे घूमते हैं। और इस बात का मुझे घमंड नहीं है, बिल्कुल घमंड नहीं है, मैं घमंड नहीं कर रही। आज वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो दिल से मुझसे माफी भी मांगते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए, उनको ये पता तो चला कि हम भी इंसान हैं, और आज वो इतना मतलब ऐसे मेरे सामने ऐसा सर झुका के रहते हैं, वो सर उठा के बात नहीं कर पाते शर्मिंदगी के मारे। पर मैं हमेशा ही उनको कहती हूँ कि आप लोग मेरे अपने हैं, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे सोसाइटी में है तो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चीजों को डील करना आपके ऊपर है, आप कैसे डील करेंगे। मैं फिर से कह रही हूं, क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, वो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो आप हमेशा सही को लेके चलिए ना। आप अगर मैं सोचती यार ये मुझ पर हंस रहे हैं, मुझे देख के हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं घर से निकलती ना। और घर से नहीं निकलती तो दुनियादारी कैसे सीखती। मैं आज जो कैमरे के सामने आप लोगों से बात कर रही हूँ, कैमरा फेस कर रही हूँ, इतनी फ्री हूँ कैमरा के आगे, वो कैसे होती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है फ्रेंड्स, हार मत मानिए, क्योंकि जिंदगी से लड़ना ही जिंदगी है। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि हम जानते हैं कि हमें एक ना एक दिन मरना है, हमें मौत नसीब होनी ही होनी है, तो इसके डर से हम जीना तो नहीं छोड़ते ना, जिंदगी तो जीते ही है। तो जब जीना ही है तो हम हंस के क्यों नहीं जिएंगे। दुख तो हमेशा ही रहेगा साथ, पर सुख का लुत्फ उठाना क्यों भूल जाए। हर एक पल को जिए, आराम से खुश हो। और याद रखिए, कोई भी कमजोर नहीं है। अगर हम सामने वाले को कमजोर सोचते हैं तो गलती हमारी है, कमजोर हम हैं जो हम उसे कमजोर सोचते हैं। ऊपर वाले ने सबको एक समान ही बनाया है, हम इंसान ही हैं जो अपनी छोटी सी घटिया सोच के ऊपर बेस्ड होके जात पात से किसी को अलग कर देते हैं, किसी को हम अपाहित सोच के खुद से अलग कर देते हैं कि उसका शरीर का एक हिस्सा नहीं है, तो किसी के चेहरे के ऊपर हम उसे जज करते हैं। हमें हक नहीं बनता किसी को जज करने का, हमें हक नहीं बनता किसी को खुद से अलग समझने का, हमें हक नहीं बनता जात और पात का डिफरेंस करने का, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको एक समान ही बनाया। सो आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए। और क्या कहती है दुनिया पीछे से, आपके ऊपर कौन हंसता है, कौन क्या करता है, उसको मानिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं समझती हूँ कि अभी के डेट में जैसे हम अपडेट है ना,
लोग कहते हैं कि भाई उसने ये कह दिया छोड़ दो, इग्नोर इग्नोर मत करिए, वो बंदा होता ही कोई नहीं है, वो बंदी ये बंदा कोई नहीं होता आपको जज करने वाला, आप उस वक्त उसको जवाब दीजिए, क्योंकि आज उसने कहा है कल वो कुछ कर भी सकता है, हम सामने वालों को मौका देते हैं, जवाब देना जरूरी है, फाइट बैक करना बहुत जरूरी है, सही है मत, सहेंगे तो बहुत कुछ सहना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स यही सब मैं मुझे आप सभी से कहना था और वो मैंने कह दिया, मेरी बातें अगर आप लोगों को बुरी लगी हो, किसी को भी हर्ट हुआ, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, माफी चाहूंगी। अगर मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन प्रेस करते जाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ शूट के लिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।